अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है। राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले कभी डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी हो रहा है तो कभी कमला हैरिस का। किसी सर्वे में कमला हैरिस बाजी मारती हुई दिख रही है तो किसी सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर मुकाबला 19-20 का ही दिख रहा है। इस बीच नए एग्जिट पोल ने चौंकाने वाला नतीजा दिखाया है। अमेरिका में कुल 7 बैटल ग्राउंड स्टेट है। इन 7 में से 6 बैटल ग्राउंड स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप का दबदबा दिख रहा है। दरअसल अमेरिकी चुनाव 2024 के नतीजे 5 नवंबर के बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 6 राज्यों में आगे चल रहे हैं। वहीं कमला हैरिस एक स्विंग स्टेट में बढ़त बनाई हुई दिख रही हैं। ये नतीजे एटलस पोल्स के स्विंग स्टेट्स के सर्वे के हैं। अमेरिकी चुनाव के नक्शे में 7 बैटल ग्राउंड स्टेट हैं। ये हैं नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, नेवादा, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। इनमें से सिर्फ एक स्टेट में कमला हैरिस आगे दिख रही हैं। ऐसे में वहाँ के लोगों का क्या कहना है, सुनिए। इन रेफरेंस टू दिस इलेक्शन, आई हैव वोटेड थ्रू आउट माय लाइफ फॉर रिपब्लिकन अंटिल ट्रंप केम इन, एंड आई थिंक दिस टाइम ही इज इन द इलेक्शन, आई डोंट थिंक फॉर द अमेरिकन, बट जस्ट टू गिव हिम अ गेट आउट ऑफ द जेल पास, यू नो, दैट इज द ओनली रीजन आई थिंक ही इज इन। As far as economy and inflation, yes, it does matter to everyone. There is no magic wand that he's gonna do it or Kamala is gonna do it. It's gonna, and this thing is all over the world, not just the USA. So I don't buy that claim by any candidate that they're gonna do a magic wand. But what I concern is I can pay a little bit more taxes, but I would consider myself safe whenever I travel anywhere. Also, inflation and economy may not matter that much because I made my money throughout my life. I'm at the stage that I should be able to speak freely myself without being targeted for being the enemy of the regime. And I think that's about it. This is the reason why तो ये थी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।